ये है मारुति सुजुकी का स्विफ्ट। जब रात आपको आप ये कार रिवर्स करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, लाइट का इशू। वो क्यों आता है और हम उस लाइट को आप घर में ही एलईडी से अपग्रेड करेंगे, उसके बाद लाइट का जो थ्रोइंग है वो भी शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस लाइट का थ्रोइंग कैसा है। मैं पहले फ़ोन का जो फ्लैश है वो ऑफ़ कर देता हूँ। ये है लाइट का अंधेरे में थ्रोइंग जो बहुत ही कम है। कार चलाते हुए आपको पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देगा रात को अगर अंधेरा हो, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होता है। तो इसलिए इस लाइट को हम घर में ही अपग्रेड करेंगे एलईडी में। वो कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो देखते रहिए। देख सकते हैं ये जो गाड़ी है इसका जो रिफ्लेक्टर है, ये वाला जिसमें कार को लाइट को जो रिफ्लेक्ट करता है, ये वाला। इसमें दो पार्ट है, मैं शायद आपको दिख रहा है, इसमें दो पार्ट है। ये लाइट है रिवर्स का लाइट वाइड वाला, और ये है इंडिकेटर का लाइट। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्टर का जो आधा हिस्सा है वो है बैक लाइट। तो रिफ्लेक्टर इतना छोटा होने के वजह से यहाँ से रोशनी बहुत ही कम बाहर निकलता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम अराइज हो जाता है यहाँ पर। इसलिए इस लाइट को अगर मैं एलईडी से मैं अपग्रेड करूँ तो वो बहुत ज़्यादा रात को हमें फ़ायदे देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो बूट को ओपन करो यहाँ से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला 10 नंबर का और ये वाला। और ये दो स्क्रू अगर हम निकालेंगे या नॉर्मल रेंज से, तो ये यूनिट जो है वो बाहर आ जाएगा। और हम इस लाइट से, इस वाला जो मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है 200 रुपये में मार्केट से, इस वाले लाइट से मैं इसको आज अपग्रेड करने वाला हूँ। ये है 10 नंबर का रेंज। इससे पहले नट को बाई तरफ घुमाना है एंटी क्लॉक वाइज, फिर हाथ से ये निकल जाएगा। ये दो स्क्रू निकालने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये इजीली बाहर आ जाएगा ये वाला हिस्सा। ये वाला जो होल्डर है हमारा, ये वाला जो होल्डर है ये है बैक लाइट का होल्डर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लॉक किया हुआ है, तो हमें ये ऐसा ट्विस्ट करना पड़ेगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, यस। तो ये इजीली यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर ये छोटा सा एक बल्ब लगा हुआ है जिसको हम एलईडी में कन्वर्ट करेंगे। ये पुल मैकेनिज्म में लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से ये पुल करूँ तो ये बाहर आ जाएगा। और हमको ये जो एलईडी है इसको यहाँ पर डाल देना है। और एक चीज़ याद रखना है कि एलईडी जो है वो पोलराइज्ड होता है। अगर ऐसा नहीं जलता है तो आपको निकाल के ये ऐसा डालना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी का लाइन एक बार देता हूँ, फिर देखता हूँ जलता है या नहीं जलता है। ये इस लाइट का कितना ज़्यादा रोशनी है और ये कितना रोशनी देता है, तो फटाफट दो लगा लेते हैं फिर चेंज देखते हैं क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रुप हुआ है उसमें ये डालना पड़ेगा, और इस तरफ लॉक होगा क्लॉक वाइज। यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे लॉक होगा, तो इसको हम डालेंगे अंदर। ये चला गया अंदर, फिर ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो खट से आवाज़ आएगा और ये लॉक हो जाएगा। और इसको लगाना कैसा है ये ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर एक यू शेप का बना हुआ है वो इसमें डालना पड़ेगा। ये वाला जो वाइट वाला दिख रहा है आपको,
इसमें यू वाला पार्ट है वो पहले घुसाना पड़ेगा। फिर हल्का सा ऐसे दबाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया, जल्दी से हम ये स्क्रू दोबारा लगा देंगे और टाइट कर देंगे। इसको पहले हाथ से लगा लेंगे फिर रेंच से टाइट कर देंगे थोड़ा, ताकि ये गाड़ी चलते समय आवाज़ ना करे। ये आप देख सकते हैं दोनों लाइटों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। जो दाएं तरफ मेरा लाइट है वो कितना ज़्यादा ब्राइट है, और ये जो पहले वाला था येलोइश था और लाइट भी बहुत कम था। अब दूसरा लाइट भी चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं इस लाइट का थ्रोइंग कैसा है। ये दो लाइट अभी चेंज हो गया है और कितना ज़्यादा रोशनी है। और ये गैरेज का लाइट मैं ऑफ करके भी आपको दिखाता हूँ, ये इसका थ्रोइंग भी कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। ये कितना ज़्यादा रोशनी दे रहा है, यहाँ पर पूरा रोशनी आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो लाइट था वो कितना कम था, अभी कितना ज़्यादा लाइट आ गया है इसमें, तो कितना फ़र्क पड़ता है। तो आप दोनों वीडियो में कंपेयर कर सकते हैं लाइट का कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है इस चेंज के दौरान। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।